हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम लोग यहाँ देहरादून से निकले हैं और हमारा मस्ती का ये लगभग 10वां दिन है आज घूमने का। और अब हम लोग मसूरी की तरफ चल दिए हैं। आप देख सकते हैं मसूरी की रेंज की पहाड़ियाँ आपको दिख रही होगी। और मज़े की बात है कि मसूरी में बर्फबारी जमके हुई है और हम इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है हमारे गाड़ी पे पड़ रहा है और तेज तूफान भी बाहर चल रहा है। मसूरी जाने का जो मुख्य पर्पस है वो ये है कि मसूरी में जो एक तो माल रोड है जो घूमने का है, दूसरा क्या है मसूरी की एक जो खास बात है ना वो कि वहाँ लवशना है, लाल बहादुर शास्त्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है जहाँ पे सिविल सर्वेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं IAS IPS उन लोग की ट्रेनिंग होती है। तो हम इसी वजह से एक्साइटेड हैं कि उस जगह को घूमने का मौका मिल जाएगा। ये देखिए आप किस तरह से बादल और कितने ऊंचाई पे ये जगह है। यकीनन मसूरी को कहते हैं कि क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। लाइफ में अगर कभी मौका मिले तो मसूरी जरूर आइए। अभी हम मसूरी में ही हैं और अब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे हैं मसूरी में। मैं आपको यहाँ कोशिश करता हूँ दिखाने का। तो आइए आप भी मसूरी आइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए। घर पे बैठ के बोर होने से कोई फायदा है नहीं, थोड़ा सा टाइम मस्ती के लिए निकालना चाहिए। और अभी बहुत बहुत सुहाना मौसम है उत्तराखंड घूमने का। मसूरी, धनौल्टी, सहस्त्रधारा, हम वहीं थे, देहरादून, ये सब बहुत 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 गजब का जगह है। कैंप डिफॉल, ये सारे सब जगह अभी घूमने का है। आइए घूमिए, मस्ती कीजिए और मसूरी के आनंद लीजिए। इससे बेहतर मौसम नहीं मिल सकता है छुट्टी मनाने के लिए। ये देखिए आसमान ऐसे है कि जैसे कि पूरी मेहरबानी मसूरी पे ही हो गई हो। और जैसे कि बादल ने थाम रखा हो, मोर्चा संभाल रखा हो कि आज पूरा का पूरा जो है अपनी बारिश मसूरी पे ही उकेर देना है। तो अब चलते हैं, आइए मस्ती कीजिए हमारे साथ। थैंक यू।